हमारे साथ दिल्ली स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर परवेज मियां हैं। सर, कितनी सीटें दिल्ली को मिली हैं इस बार हज कोटे में, और कितने लोगों के लिए आज कुर्रे अंदाजी हुई, और कितने फॉर्म आए थे? देखिए, हर साल अल्हम्दुलिल्लाह 7,000-8,000 के बीच में फॉर्म आ रहे हैं। पिछली बार तो हम लोगों ने 2400 लोगों को भेजा था, क्योंकि VIP कोटा भी मिल गया था, कुछ हमें अलग सीटें भी मिल गई थी। लेकिन हर स्टेटों की हालत है कि वहाँ 4 times तो हमारा दिल्ली का पहली मर्तबा है, लेकिन और स्टेटों में 5वीं बार लोगों ने किया है तो उनको सीटें मिल रही हैं, इसलिए हमारा 20% लेस हो गया। हमें उम्मीद थी कि हमें ये सारा हमारा जो रिजर्व कोटा है, जैसे हमारा 70+1 है, वो तो जाएंगे, उसके बाद हमें 3-4 times वालों का लिए हो जाएगा, लेकिन उसमें भी अभी हमें 233 सीटों की दरकार है। कितने फॉर्म्स आए थे और कितने लोगों को आप लोग भेज रहे हैं, कितने लोगों का? 8,875 फॉर्म आए थे हमारे पास, जिसमें 363 तो 70+1 और 4 times वाले 1,133। अब इनको टोटल मिला दिया जाए तो 1,396 हो गए, तो हमारे पास तो बहुत कम सीटें बची हैं, इसलिए हमने तालकटोरा में नहीं किया कि जनरल कैटेगरी की हम वेटिंग निकाल रहे हैं। जैसे जैसे हमें सीटें मिलती जाएंगी, सबसे पहले तो हम 4 times वालों को क्लियर कराएंगे और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता फिर जनरल कैटेगरी वालों को भी देखें। अब मजीद कुछ कोटे की बात करेंगे, क्या सेंट्रल हज कमेटी से या जो रिजर्व सीटें होती हैं उसको दिल्ली में शिफ्ट किया जा सके, दिल्ली के कोटे में शिफ्ट? मतलब गुजारिश यही हो रही है चेयरमैन हज कमेटी से, आसिम साहब से बात की, आसिम साहब केजरीवाल साहब से बात कर रहे हैं। अब हम दिल्ली की तरफ से इन्हीं लोगों से नुमाइंदगी भेजेंगे, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेजिडेंट को, सुषमा स्वराज जी को, तो इंशाल्लाह आज वो काम होगा। इस तरह दिल्ली हज कमेटी का कोटा जो है वो कम कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को उम्मीदें हैं, चूँकि जो रिज़र्व कैटेगरी है उसके लिए दरख्वास्त भेजे जाते हैं, और ऐसे में कुछ मजीद कोटे दिल्ली को मिल सकते हैं। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अंजरुल्ला, मुनसिफ TV, दिल्ली।